अस्सलाम वालेकुम, हेलो चैनल, वेलकम टू माय गाइस अगेन। डे फाइव या डे सिक्स गिनती में भूल चुका हूँ, नमाज पढ़ने आया था। ये अपने पुराने मोहल्ले आया था मैं आज, अजीजिया जहाँ हम लोग पे रहते थे। शमीसी भी देख लिया था, अजीजिया भी देखने आए थे। अभी पूरा चेंज कर दिया, पूरा ए टू जेड कंस्ट्रक्शन रिकन्स्ट्रक्शन कर दिया, घर पूरे रेनोवेट कर दिए, पेंटिंग वगैरह सब कुछ, बहुत अलग लग रहा है। सर अब जा रहे हैं हम, अभी कहाँ नेस्टो जा रहे हैं, थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग कर लें अब, क्योंकि निकलना है परसों। हाँ तो नेक्स्ट शॉपिंग करेंगे, सामान आगे रखेंगे, भाई बहनों की लिस्टें ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, कंटिन्यू आए जा रही हैं, तो शॉपिंग करेंगे। कल आदिल अंकल इन लोग से भी मिले थे, बैटरी नहीं थी फ़ोन में तो कुछ बना ही नहीं पाया, आइसक्रीम खाने भी गए थे, बहुत सारी चीज़ें खरीदी। अभी देखो इंशाल्लाह आज खाएंगे। ये जैसे अपने भोपाल में हाट लगती है ना बकरों की, यहाँ लगती है बकरों की हाट, ये पूरे बकरीद के टाइम पे ये जगह पे रोज मिलते हैं। हाँ वो है तो खरीदते हैं गाड़ियाँ, वहाँ मिल रहा है वो, यहीं एक ही जगह मिलेंगे बस, और कहीं नहीं मिलेंगे। और बकरी ये बकरी, ये बकरे पूरे ये पास वाले अच्छे से, खुशबू कितनी खतरनाक आ रही है इनमें से। फार्म भी यहीं पे है, ये देखो और क्या बकरे हैं यार, बेहतरीन इंडिया में जो महंगे महंगे बिकते हैं वो। ये देखिए बकरा ही बकरे, ये पूरे बकरे फार्म है ये। बेहतरीन रेती रेत पड़ी है सब जगह, और लेंडिया लेंडिया पड़ी है, और बकरे बकरों की खुशबू देखो आप, लड़ रहा है वो जाके। ये देखो जाएगा आप पीछे हो जाए, ये मेंढे टाइप के हैं, ये बहुत दम से मारते हैं सर से। देखो आप इतना शौक है बकरों का, अंदर ही पहुंच गया था बकरे देखने, खूब बकरे ही बकरे दिख रहा है सब जगह, पूरा बकरा। तो ये 700 रियाल से स्टार्टिंग होते हैं बकरे यहाँ पे, 700 मतलब 14,000 रुपये करीब, 14-15,000 रुपये स्टार्टिंग होती है, और फिर वेट के हिसाब से मिलते हैं। ये देखो ये है नेस्टो, ये इसमें पूरा इंडियन पाकिस्तानी सब इंडियन सामान मोस्टली मिलता है अच्छे रेंज में। 16th एनिवर्सरी चल रही है अभी इसकी, यहाँ से सामान लेने आए हैं। सामान भी क्या लेना है, वो भाई बहनों की डिमांड है कि मैगी लानी है सऊदी की, बहुत टेस्टी होती है इंडोमी करके, पूरा बचपन ये खा के निकला। तो इंडिया शॉपिंग क्या क्या करके लेके जाते हैं, और मैं क्या लेके जा रहा हूँ, मैगी, इतनी सारी मैगी, क्योंकि एक तो वो इसराइली हो गई, दूसरी ये कि वहाँ के फ्लेवर ऐसे नहीं है जो यहाँ के फ्लेवर है। उसके बाद ये जेली, और ये हॉट डॉग हलाल चिकन के, तो इंडिया में नहीं हलाल नहीं मिलते, पोर्क मिला रहता उसमें, ये जेली यहाँ पे हलाल है विदाउट जेलेटिन वगैरह, विदाउट पोर्क, इंडिया में भी वो पोर्क मिला रहता है जेलेटिन में, और ये कैरामल भी, ये सब। और ये मेरी एक बियर, मेरी बियर ओरिजिनल होलस्टाइन मोहितो फ्लेवर नॉन अल्कोहलिक, ठंडी हो गई यार, ये दूसरी लेके आऊँ क्या भाई। ये देखो शैम्पेन, ये वो क्या है नॉन अल्कोहलिक, सब दारू बाजों के इंडिया में मज़े हैं, अब यहाँ देखो सऊदी आओ तो हम लोग के मज़े हैं, सारी शैम्पेन टाइप में ही है, पूरा वही फ्लेवर लेकिन नॉन अल्कोहलिक। मिल मुला के फ्री हो गए, अब आए हैं अल अफंदी, अल अफंदी कॉर्नर, थोड़ा सा ब्रोस्ट वगैरह खाने, बहुत मज़ेदार लगता है, हैं हाँ यही खा लेंगे। ये है ब्रोस्ट, आप देखो चिकन कैसे पूरे साबुत पीस रहते हैं गर्म में फ्रेश, ये ताज़े, बहुत मज़ेदार लगता है। रोटी यहाँ के चरोटी, यहाँ की रोटी ऐसी, यहाँ की रोटी ऐसी होती है, ये फैक्ट, पूरे रियाद में ऐसी रोटी चलती है। ये गार्लिक सॉस, बहुत बड़ा मार्केट है। देखो आप वैक्यूम देखो कैसे पड़े थोक मार्केट है, हाँ थोक वाला, याद नहीं आ रहा था जमान पे, थोक मार्केट है, थोक का मार्केट। देखो आप खिलौने थोक में, ओ लैम्बोर्गिनी थोक में। फेस भाई जो है आज दावत दे रहे हैं रोमांसिया होटल में, तो हम लोग सब वहीं जा रहे हैं, तीन यहाँ बाकी लोग दूसरी कार में, और रात का टाइम हो गया, देख लो आप भाई फ्लैश जला के बना रहे हैं।
ये हमारा सिटिंग एरिया है, ऐसे बैठना है, पूरे में ऐसे ही सिटिंग एरिया है, नीचे बैठो सऊदी स्टाइल में, ऐसे बेहतरीन दिख के और खाओ। ये लोग बैठ रहे हैं अभी। माशाल्लाह यार इतना मज़ेदार टेस्ट था ना, वो ऊँट की जो मंदी थी ना वो तो गजब। ये देखो हाथों में परफ्यूम छिड़क देते हैं, ये ना ये चलिए हाथ में परफ्यूम है हाथ बाहर ले जाने के लिए, खट्टा होता है खाने के लिए। सैनिटाइजर और दूध पे भी देखो पन्नी चढ़ी है, ये ब्रांडेड। हर चीज़ ब्रांडेड है यहाँ पे। लेकिन मजाक से बहुत टेस्टी था ऊँट वाला, तो भाई मैं पागल हो गया खा के। और अब क्योंकि हमसे चलते तो बनेगा नहीं, हमने इतना ठूस लिया, तो हम नीचे भी लिफ्ट से जाएंगे, जबकि एक ही फ्लोर उतरना है लेकिन लिफ्ट से जाएंगे। भले ही उसमें टाइम इतना लगेगा कि हम तीन फ्लोर पैदल उतर जाएंगे, लेकिन हम लिफ्ट से ही जाएंगे। नशे की हालत देखो। सारी सुबह हो रही है ना, तो सारी सुबह दारू, रात में नींबू पानी, पार्टी करने वालों की यही कहानी। कचरा ये बल्दिया होता है, ये सब जगह लगे रहते हैं, उन फेंक दो। सऊदी में साफ सफाई सब मेंटेन है। तो भाई लास्ट ट्रिप, और ये अरबी चप्पलों के साथ, अरबी चप्पलें कहते हैं ना यहाँ पे, स्पेशली ली थी। सब जा रहे हैं पिज्ज़ा खाने, बेहतरीन पिज्ज़ा खाएंगे। और आज लास्ट ट्रिप है, फिर कल जो है मेरी सुबह फ्लाइट है 4 बजे की, तो फ्लाइट के लिए निकलना, मतलब 7 बजे की फ्लाइट है, तो 4 बजे यहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। तो हम गए हैं, और एक चीज़ दिखानी है आपको कि सऊदी है बिल्ला, हाँ एक सऊदी और दुबई में क्या है गाड़ियों को। आप देखो मेरे पीछे कौन सी कार खड़ी है, क्या मॉडल प्यारी लग रही है यार, मस्टैंग। के तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह फ्री, बेहतरीन पिज्ज़ा था, और वो पूरा 1 मीटर लॉन्ग था, और वो भी हम लोग से ख़त्म नहीं हुआ, पता है इतना बड़ा था वो माशाल्लाह। और भी चीज़ें थी डिशेज, जैसे पुलाव भी था और सूप भी था, और बहुत वैरायटी थी, गाजर का हलवा और दही बड़े और पता नहीं क्या क्या था, बहुत वैरायटी। ज़ाफ़रान का हलवा था बहुत टेस्टी था। खैर अब ये एक तो ये हो गया कि भाई लगेज पैक हो चुका है, लेकिन जिनसे मिल रहा है माशाल्लाह इतने गिफ्ट मिल रहा है, तौसीफ अंकल से मिले तो वहाँ गिफ्ट, उन तो उनके तो गिफ्ट भरे ही हुए हैं बहुत। अभी अकरम अंकल के आया, तो वो उनकी फैमिली कनाडा में रहती है, ये कनाडा से वो जैकेट लेके आए थे मेरे लिए गिफ्ट, ब्लैक डेनिम, और अर्बनोलॉजी कोई ब्रांड है उसकी है, तो बेहतरीन क्वालिटी की है। ये भी मज़ा आ गया। अब ये प्रॉब्लम ये है कि रखूँ कहाँ, अब पुराना जो छोटा मोटा जो भोपाल सामान लेके आऊँ वो निकाल दूँगा और ये रख लूँगा। पठान, अगर आप लोग सऊदी आए हो और आपने ये मास्टरपीस अलबेक नहीं खाया, तो फिर आप सिर्फ वेस्ट गए हो सऊदी आके। ये बहुत पुरानी चीज़ है, और इससे बेस्ट टेस्ट पूरे सऊदी में है ही नहीं, और बहुत पुराना है। मैं यहाँ अभी क्यों आया हूँ, खाना इतना पिज्ज़ा खाने के बाद क्यों आया हूँ, पैक करा के लेके जाना है इंडिया। इतनी डिमांड, वो घर पर पागल हैं अरूब और आरज़ इसके लिए, और मम्मी ये लोग बोला है स्पेशल डिमांड पे कि हैंड करी में अलबेक पैक होके आना चाहिए, कुछ आई नहीं आया, वही लेने आया हूँ। भीड़ दिखाता हूँ, भीड़ देखो अब, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी कम है, क्योंकि रात क्या 11 बजने वाला, बंद होने वाला है बस ये, नहीं तो वो गेट के बाहर तक भीड़ लगती है डेली। और ये एक ब्रांच नहीं है, रियाद में बहुत ब्रांचेज हैं, डेली इतनी भीड़ लगती है। दो व्लॉग तो पूरे आएंगे कि एक तो ट्रैवल वाला और एंट्री रियाद में, और दूसरा उमरे पे गए वो पूरा है ना, दो तो ये कंप्लीट आएंगे। क्या खुशबू आ रही गाड़ी में से यार, ये खुशबू। खैर तो ये दो तो कंप्लीट बने हैं, और अब तीसरा और चौथा, अगर देखो अब छोटे छोटे क्लिप्स बने सबके, इधर उधर कहीं खाने गए, कहीं ये कहीं वो, उनमें अगर 2 बन गए तो 3-4 व्लॉग हो जाएंगे,
नहीं तो तीसरा ही रह जाएगा, फिर अब कल एयरपोर्ट निकलना है तो अब दोबारा वापसी का दिखा रहे हैं, कोई सेंस बन नहीं रहा है। याद बहुत आएगा। रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोबारा से अब जा रहे हैं अपने गेट पे। 27 ये है तो 26 के आसपास ही होना चाहिए, 26 पर ही रहा मेरा तो फार काम नहीं है। जा रहे हैं वापस भाई, भाई भाई बहुत ओवर वेट लगे था यार, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह की मदद करी, मैं दुआ करते हुए आ रहा तो निकाल दिया। ये देखो ये जो लगेज है छोटा वाला, ये देखो ये अरूप के लिए है, ये तो ये मैं लेके चला रहा हूँ बच्चों वाला। इसके अंदर सिर्फ खाना है, बादाम, खजूरें, अजवा खजूर और आपका मैगी ओ अल्बेक, ये सिर्फ खाना ही खाना, सिर्फ खाना ही खाना है, हॉट डॉग और फामोली, फालतू खाना ही खाना है पूरे उसमें। और इसमें ये लैपटॉप वाला क्या है कि इसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स रख लिए मैंने, जो बैग लाना ही था ये वाला यार अच्छा था इसलिए। 26 तो यही है, चलिए ठीक है। हाँ मैं ये बोलने आया था कि बस अब ब्लॉग यहीं एंड होते हैं सारे, क्योंकि मेरी फ्लाइट है अब इंडिया जाके, अगर कुछ जब इंटर्नशिप स्टार्ट हो गया जो भी होगा तब अपना ब्लॉग बनाएंगे, ठीक है ना। यहीं तक के लिए एंड करते हैं, चलिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहना, करते रहना, करते रहना। Peace.